गयाना के स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल टू खेला जाना है, लेकिन इसको लेकर बात चल रही है कि टीम इंडिया इस मैच को बिना खेले ही फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन आखिर ये सब चीज चल क्यों रही है और क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल बात यह है कि पहला सेमीफाइनल खेला जा चुका है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, और इस एक तरफा मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को एक तरफा तरीके से लिटा कर मारा है भैया, बहुत बुरी तरीके से 56 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और उसके बाद बड़ी आसानी से स्कोर को चेस कर लिया। दूसरा मैच खेला जाना है गयाना में। गयाना का जो मौसम है, कहा जाता है कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश हो जाती है, और बारिश होती है तो लंबे समय तक बारिश चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के वेदर की तरह वहाँ पे बारिश बीच बीच में रुक जाती है, या आयरलैंड के वेदर की तरह कि भाई पासिंग शॉवर्स आते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ अगर बारिश होती है तो लंबी बारिश होती है। गयाना में कहा जा रहा है और जो वेदर फॉरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत और इंग्लैंड का मैच वहाँ पे जब खेला जाना है जिस समय के ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के आसार हैं। और इससे पहले भी, मैच शुरू होने से पहले भी, वहाँ के जो अभी के हालात पर अगर हम नज़र डालें तो अभी भी वहाँ पर बारिश हो रही है, इससे ये साफ तौर पर पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आउटफील्ड गीला होगा, आउटफील्ड सूखने में समय लगेगा, बारिश बंद होगा उसके बाद भी। और बारिश बंद नहीं होता है फिर तो भाई साहब भूल ही जाइए कि ये मैच कहीं खेला जाने वाला है। लेकिन अगर मैच रद्द होता है तो इस केस में टीम इंडिया आगे कैसे पहुंच जाएगा? दरअसल पहला सेमीफाइनल जो कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया, उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया था। रिजर्व डे क्या होता है? अगर किसी भी कारणवश, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, आंधी की वजह से, किसी भी वजह से मैच उस दिन कंप्लीट ना हो पाए तो अगले दिन सेम समय पे उसी समय के ऊपर मैच को दोबारा खेला जा सकता है, वहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया। इसके पीछे की वजह तो ICC ही जाने। गयाना को लेकर बहुत पहले से बात चलती आती है कि भाई बहुत बारिश होती है, ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत ऑप्शंस थे, किसी और भी ग्राउंड में मैच कराया जा सकता था, लेकिन ICC बहुत लापरवाह है, ICC चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही है। इससे पहले अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच खेला गया उसमें भी अफगानिस्तान की टीम मैच 4 घंटे उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को एक लॉस झेलना पड़ा, और ये लॉस इस बार इंग्लैंड के लिए इतना बड़ा हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप से ही नॉकआउट हो सकती है, वो भी बिना मैच के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंडिया को एक एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के जो खिलाड़ी होंगे वो ज़रूर ये चाहेंगे कि मैच को खेलें और बदला लिया जाए। बदला किस चीज़ का? साल 2022 T20 वर्ल्ड कप का। वैसे आप बताइए, आपके हिसाब से मैच होना चाहिए या फिर ऐसे ही हमें फाइनल में जगह मिल जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं रवि मिश्रा, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ।